बैक टू माई चैनल। तो मैंने इस पेंट को कल स्टार्ट किया था एक्रेलिक कलर में। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी कल वाली वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं इस पेंटिंग को फिनिश करने वाला हूँ। तो उसमें कुछ स्पेस है, जैसे एक ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा लग रहा है ना, कंपोज नहीं लग रहा है कुछ। तो शायद देखते हैं हम कुछ एलिमेंट या फिर इसके अंदर कुछ कंपोजिशन मटेरियल तो ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी पेंटिंग है वो कंपोज लग सके। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये पेंटिंग का जो सारा वेट है ना कहीं इस तरह भी भाग रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं पूरा ब्लैंक है। तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारी पेंटिंग है वो बैलेंस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पेंटिंग बैलेंस से रिलेटेड मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो ये पेंटिंग है, इससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसको बना रहा हूँ। हम लोगों के पास में एक स्टोरी होती है, एक कविता होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हम उस पूरी स्टोरी को, उस पूरी कविता को, उसके एक एक एलिमेंट्स को हम वहाँ पर दिखा सकें। तो क्या है, जो भी पावरफुल एलिमेंट्स हैं उस कंपोजिशन से रिलेटेड, जैसे ये जो मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मैं एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बुद्धा के, ठीक है, गौतम सिद्धार्थ, क्या फिर मैं बोलूँ, बुद्धा तो वो बाद में हो गए थे। तो यहाँ पे जो काम करने का तरीका आप मेरा वो देख सकते हो, पहले मैंने यहाँ पर कलर लगाया, फिर मैंने कलर रिमूव कर दिया। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है यार, मेरा आर्ट वर्क है, मेरी हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा फ्री होकर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर्स को लगा रहा हूँ और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कमल के फूल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कमल का लोटस अगर आप देखो, लोटस का जो फ्लावर है उसको देखोगे, तो ये कहीं भी बहुत रियलिस्टिक नहीं है, बस एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है उसका, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका बेस होता है, मैं उसको बना रहा हूँ। देखो कितना बड़ा गोल मैंने बनाया है, मतलब फूल से ज़्यादा जो बड़ा है वो बेस है, ठीक है। और बेस हमेशा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैं यहाँ पर उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं किस कलर किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ग्रीन कलर लिया है ना। और कलर के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इसके अंदर आप सारे कलर जानते हो जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। एक्रेलिक कलर है और ये जो ब्रश है मेरा सिंथेटिक ब्रश है। और काम करने का तरीका आप देख रहे हो, कहीं मैं डार्क कलर लगाता हूँ, कहीं मैं लाइट कलर अप्लाई करता हूँ। मतलब मेरा जो सीधा सीधा फंडा है ना, वो है कि चीज़ें जो मैं ऑलरेडी करता रहता हूँ या फिर मैंने जो कुछ भी सीखा है, उन सब चीज़ों को मेरे को फिर से मिटाना है, ठीक है। मिटाने मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं रखनी है मेरे को अपने काम के अंदर। तो मैं बहुत फ्री होकर काम करता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्री होकर काम करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि यार यार ये लाइन गलत लग गई है, ये ऐसा क्यों हो गया है, तो ख़राब हो गया है। गलत लग रही है तो लगा के मिटा दो, पानी लगा के मिटा दो, ठीक है। अगर धुंधला भी मिटता है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो मैंने जो बेस बनाया था उसके अंदर भी मैंने कलर को रिमूव करके मैंने वहाँ पर कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। और मैं यहाँ पे सेम कलर टोन को लेकर, जैसे मेरी जो कलर थीम है ग्रे है, ऑकर है, हल्का सा ग्रीन है, उसको लेकर ये मैं जो है प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ पेंटिंग के साथ में। और जैसे मैंने बताया कि कहीं कहीं मैं कलर को बहुत थिक लगाता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं बहुत थिक कलर लिया है। और ऊपर की तरफ देखो मैंने एक सिंबल प्रेजेंट किया है, जो इलाइटमेंट जब हम हासिल करते हैं, जो आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, तो उसमें कुछ चक्राज होते हैं, तो उसमें से किसी एक चक्रा का ये सिंबल मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया है। और पेड़ की जो पत्तियाँ उसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मेरा काम इतना हो चुका है, इसमें अभी ना कुछ एक कलर है जो बाकी, मैं इसको रेड कलर से इसमें कुछ जगह पर ऐड करना चाहता हूँ। रेड कलर मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं बस थोड़ा दूर बैठ के ना आराम से सोचूंगा, पेंटिंग को बार बार देखूंगा। देखो कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है यार, मैं इसीलिए मेरा जो ये काम है ना, मैं मानता हूँ कि ये खुद के लिए ही है, ठीक है। खुद की जर्नी है, खुद का सेटिस्फैक्शन है एक तरीके से, दूसरे को मतलब नहीं है कि दूसरे को कैसा लगेगा कैसे नहीं लगेगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे आपसे भी सॉरी टू से बट मतलब नहीं है कि आपको कैसा लग रहा होगा, ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, फिर इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं। तो पेंटिंग की जो जर्नी है ना यार, वो आर्टिस्ट और जो वो जो क्रिएट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, कोई चीज़ कितनी रियलिस्टिक बन रही है, कितनी एब्स्ट्रैक्ट में बन रही है, कितना टेक्सचर आ रहा है, मर्जिंग अच्छी हुई है नहीं है, इन सब चीज़ों से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों से मतलब होना भी नहीं चाहिए जब आप एक जर्नी में हो, तो ठीक है। अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हो, आप कुछ कॉपी कर रहे हो, आप किसी आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि उस आर्टिस्ट की तरह मैं काम करूँ, क्यों करूँ भाई आर्टिस्ट की तरह काम, आप अपनी तरह काम करो ना, क्या टेंशन है इसके अंदर। आप वो करो जो आप चाहते हो, किसी और के रास्ते पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ गाइडेंस लो, लेकिन किसी और के जैसे काम करने के बारे में मत सोचो, अपने जैसा काम। मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा पेंटिंग से, उसके बाद में मैं फिर से इसको देखूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, एकदम से काम करते करते आपको चीज़ें नहीं पता लगती हैं, तो ऐसे में आपको ना थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आधा घंटा 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप जाके फिर से एक बार देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें फिर से समझ में आएंगी।
तो मेरा तो ऐसे ही चलता है भाई। ठीक है चलो एक काम करते हैं, अब इसमें मैं फाइनल टचअप देता हूँ इस पेंटिंग के अंदर और फिर इस पेंटिंग को करते हैं हम फिनिश। फाइनल टचअप मतलब ये कहना भी शायद गलत होगा क्योंकि एक पेंटिंग कभी भी फाइनल नहीं होती है, बट हाँ कुछ पेंटिंग जो है जैसे अगर मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इस कलर को अप्लाई करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया है, तो पेंटिंग में एक एक रिदम आ जाएगी और ये वो भी तब है जब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है हो सकता है कोई और इस पेंटिंग को देखे और फिर ये कहे कि अरे नहीं नहीं इसमें तो ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है ना, तो ऐसी चीज़ें तो खैर होती हैं। खैर हमारी पेंटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। देखो जी ऐसी लग रही है हमारी पेंटिंग, कमेंट बॉक्स में लिखो कैसी लग रही है। मन अच्छा सा हो गया मेरा पेंटिंग करके ना, तो एक काम करता है मेरे को निकलना है घर और घर जाके कुछ खाता हूँ और मम्मी को भी लेके जाना है कहीं। बहुत गर्मी हो गई यार, बहुत गर्मी है बाहर, धूप ही धूप है। ये देखो ये है मेरा खाना और ये आ गया मेरा घर। बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती हुई धूप में आना जरूरी है, चिलचिली गर्मी का मौसम। ये कौन बैठा है, ओए कौन बैठा है भाई अंधेरे में, आ जा बेटा मैगी लाऊं तेरे लिए, दो मिनट में फटाफट। ठीक है बेटा क्या कर रहा है भाई, कैसे गए तू हैं? मैगी खाएगा, दो मिनट में बन रही है, अभी बना देगी मम्मी दो मिनट में मैगी। ओहो बढ़िया लग रही है। ये ना ऐसे पड़ोसियों को देखता रहता है यहाँ से बाहर, देख देखो कुकू कौन है, कौन जा रहा है देखे जरा, ठेकेदार है ना तू इस घर का, ठेका लिया ना कुकू को तूने, कुकू ठेकेदार है ना तू, सबको पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है तेरे को। और ये आ गया हमारी गर्मा गर्म मैगी, आ जाओ चलो चले मिलते हैं। मास्क नहीं, मास्क की जरूरत नहीं है, कोरोना भाग गया। ओहो मेरे आंगन में फूल खिला है, बहुत बढ़िया, ओ गेंदे के फूल, चल अंदर हो जा। ये वाला अच्छा है, ये वाला मुझे अच्छा। ये देखो ये है हमारी आज की शॉपिंग, और ये देखो मेरी माँ पीछे पीछे आ रही है। आ गया अपने स्टूडियो के अंदर और मैं ना जस्ट अभी बस बैठ के पेंटिंग देख रहा था, मुझे पता नहीं क्यों देखने के बाद ऐसा लगा कि ये वाला जो फूल है ना, ये वाला फूल इसको ना मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा, मतलब इसको थोड़ा सा दबाऊँगा, यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एज अ क्रिएटर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी क्रिएशन करते हैं ना हम, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहती है और हमेशा रहती है, इसलिए हमेशा परफेक्शन की तरफ जाओ लेकिन हमेशा परफेक्ट करने के बारे में ही मत सोचते रहो कि हर जो मैं काम करूँगा सब कुछ परफेक्ट ही होगा, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है यार। ठीक है और यही होता है एक सही प्रोसेस। ठीक है आप हमेशा हिट नहीं कर सकते हर चीज़ को, कभी टिक टिक करके भी रन लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना तो काम करते हैं आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।